हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का वंदना की बगिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अपने गार्डन का ब्लॉग्स लेके आई हूँ, गार्डन ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, इस समय मानसून में मेरा गार्डन किस तरह से है और कैसा है, वही मैं आप लोग के साथ आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मानसून में मेरा गार्डन कैसा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे गार्डन में ये मॉस रोज है पटुल का, कितने बढ़िया इसमें फूल आ रहे हैं। इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में रखा है लगा के। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए ये एक प्लांट्स है और इसके पत्ते देखिए ऊपर से ग्रीन है और नीचे से पर्पल है, पिंक कलर का है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैं बत्तख पॉट में लगा के रखी हूँ। तो ये मैं नर्सरी से अभी हाल फिलहाल में लेके आई थी। तो एक प्लांट से मैंने इसे चार पॉट में लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा है। और ये देखिए अपराजिता का, इसमें मैं हैंगिंग पॉट में लगा के रखी हूँ और देखिए कितना बढ़िया जाल पर चढ़ रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, सारे प्लांट्स मेरे अब सब हरे भरे हो गए हैं मानसून में। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मेरे गार्डन में सारे प्लांट्स खिला उठे हैं बारिश से। और देखिए, मैंने कुछ अडेनियम के सीड ग्रो किए थे, सारे सीड मेरे जर्मिनेट हो गए हैं। और देखिए, ये फुटबॉल लिली का बल्ब मैंने लगाया था और देखिए ये भी कितना बढ़िया जर्मिनेट हो गया है। तो एक प्लांट था मेरे पास फुटबॉल लिली का और उसमें चार बल्ब निकले हुए थे, तो मैंने उसे तीन पॉट में कर दिया। और देखिए, और दिखा रही हूँ, देखिए ये भी फुटबॉल लिली है, ये भी बल्ब से ग्रो किया हुआ है। तो एक प्लांट था तो उसमें देखा मैंने कि चार चार बल्ब निकले हुए हैं और देखिए एक यहाँ पर निकल रहा है, ये भी है फुटबॉल लिली। तो देखिए चार चार फुटबॉल लिली एक प्लांट से। बल्ब वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके बहुत मल्टीपल फायदे होते हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने सारे अपने गार्डन में प्लांट्स को रखी हूँ। और देखिए, स्नेक प्लांट को भी मैंने रिपोर्टिंग करके, एक पॉट में स्नेक प्लांट था और मैंने पाँच पाँच पॉट में कर लिया है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में इसकी रिपोर्टिंग मैं की हूँ और देखिए इसमें से फिर बेबी प्लांट निकलने शुरू हो गए। देखिए फिर बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो ये सारे प्लांट्स के बहुत मल्टीपल फायदे हैं। और देखिए ये सारे सिलोसिया, वो कोलियस है मेरे गार्डन में, इस समय अभी हाल फिलहाल में नर्सरी से लाई हूँ। और देखिए ये कितना सुंदर फूल है, ये मैं नर्सरी से इस बार लाई हूँ और इसकी खुशबू इतने बढ़िया फ्रेग्रेंस है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत अच्छे खुशबू वाले पौधा है ये। और देखिए ये सोन चंपा का मैं लगाई हूँ, हर श्रृंगार है। और ये देखिए, ये भी गुड़हल है, ये इसमें कितना कीड़े का अटैक हो रहा है, फूल खिलने नहीं देते हैं कीड़े जो है, फूल खिलने से पहले ही फूल को बर्बाद कर देते हैं। और देखिए हैंगिंग पॉट में मैं लगाई हूँ मॉस रोज को, ये तो मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ। और देखिए यहाँ मैंने कुछ सीड जर्मिनेट करके रखा है फ्लावर्स का, इसमें सारे बालसम और अरेनियम है। तो बालसम की सीड सारे जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ वेजिटेबल के भी निकल रहे हैं। देखिए ये लौकी का है और जो अभी नहीं निकले हैं, निकल जाएंगे वो भी, तो टाइम लगता है थोड़ा। इस तरह से फिर देखिए मेरे गार्डन का ओवरव्यू, इस तरह से कुछ ओवरव्यू है। और इस समय तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं आज ब्लॉग ही बना रही हूँ, कोई दूसरा विशेष मैं कोई वीडियो लेके नहीं आई हूँ, ना कोई जानकारी है इसमें कुछ किसी प्लांट के बारे में या किसी फर्टिलाइज़र के बारे में, आज तो मैं ऐसा कुछ नहीं लेके आई हूँ आप लोग के साथ।
फिर लेके आऊँगी। आप लोग प्रे कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने गार्डन में अपने प्लांट्स को रखा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स है, बहुत गार्डनिंग में मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और फ्रेंड्स जब कोई वीडियो को फुल वॉच नहीं करता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। अरे नहीं देखना है आप लोग को चला के तो कम से कम छोड़ दीजिए, पूरा वीडियो तो वॉच कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये अपराजिता भी लगा के रखी हूँ, ये भी अपराजिता बड़ा हो चुका है। और इन सारे पॉट में मैं सीड ग्रो करके रखी हूँ, तो इस सब में सारे में सीड मैं ग्रो करके रखी हूँ। इधर भी मैं सीड ग्रो करके रखी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब अपर गार्डन पे आ गई हूँ, अपने ऊपर वाले गार्डन में। तो देखिए इस समय मांडेविला का प्लांट में कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। मांडेविला है ये, येलो कलर का। और देखिए कितने बढ़िया से ऊपर जाल पे चढ़ा हुआ है। और इसमें फूल देखिए अच्छे फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये मेरा मैंगो का प्लांट है। और ये देखिए अनार का प्लांट है, इसमें भी फूल आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल दूँ ताकि ये फ्लावर गिरे ना, सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से है। और ये देखिए जरदोफा है, इसमें भी फूल आना शुरू हो गया है। और ये देखिए मेरा चंपा है वाइट कलर का, इसमें तो इसका तो पत्ते एकदम धूप से ख़राब हो गए थे, अब तो सही हो रहे हैं, नए पत्ते भी निकल रहे हैं इसमें देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं ये सदाबहार जो इनका है देसी वाला वो है। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लगा रखा है, तो इसमें लॉन्ग बीन्स भी दिख रहा है आप लोग को। और ये है खीरा, कुकुम्बर जो होता है वो है। तो देखिए कुकुम्बर में फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। और देखिए कितना फैला हुआ उधर से उस ग्रो बैग से इस ग्रो बैग में आके फैल गया है। और इधर देखिए लॉन्ग बीन्स और चौलाई है, तो इधर भी मैं लगा रखी हूँ। बहुत मेहनत करना होता है गार्डनिंग में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। और देखिए तो एक तो घास ये सब जो जम जाता है इसको निकालने में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, निकलता ही नहीं है जल्दी हम लोग से। कोई कोई तो ऐसा जड़ पकड़ लेता है ना कि वो जल्दी निकलते ही नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर भी लॉन्ग बीन्स है, तो ये सारे बीन्स हैं। और देखिए ये तरोई का कितना बढ़िया चढ़ा हुआ है, तरोई इधर जाल पे चढ़ गया है देखिए ग्रो बैग से। देखिए सब कितना बढ़िया जाल पे चढ़ गए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मेरे गार्डन का कुछ ओवरव्यू है इस समय मानसून में। और ये देखिए बोगनवेलिया में भी अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो इस समय तो मेरा केयर भी नहीं कर पा रही हूँ अपने प्लांट्स लोग का, करूँगी थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तब तो फिर मैं इन्हीं लोग के साथ टाइम बिताती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये अडेनिया मेरा कितना बड़ा सा घना सा हो गया है। और इसके पौडोक्स देखिए कितने मोटे से हुए हैं, ये जैसे कि बड़ा सा जैसे बरगद के पेड़ की तरह हो गया है, इतना बड़ा सा हुआ है ये। देखिए यही सब में कहते हैं, ये सब घास वगैरह इतना जम जाता है कि हो नहीं पाता है। कोई माली भी मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं माली रख लूँ, कि घास वगैरह तो कम से कम ये साफ कर दे। और कोई मिल भी नहीं रहा, क्या करूँ, अकेले ही सब करना पड़ता है। और ये देखिए मधुकामनी है, नहीं मधुकामनी नहीं, मधुमालती। और देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़हल में कितना फूल आ रहे हैं, बड़े बड़े से फूल आए हैं गुड़हल में। देखिए अच्छे फूल आ रहे हैं गुड़हल में मेरे। और देखिए कली भी लिए हैं। और इस समय टिकोमा का मेरे गोरी चोरी में फ्लावरिंग क्यों बंद है, आज मैं दवाई डालूंगी इसमें, सब फर्टिलाइजर DAP वगैरह डाल दूँ ताकि इसमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए। और ये देखिए कनेर है, देसी कनेर है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अलमांडा है, इसमें भी अब फ्लावरिंग होना शुरू होगा। तो इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, ये रजनीगंधा, इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है रजनीगंधा में। और इसके तो खुशबू इतने बढ़िया होते हैं। और ये देखिए क्या कहते हैं इसको,
पेटूनिया, मैक्सिकन पेटूनिया, इसमें भी फूल बहुत अच्छे आते हैं। और ये देखिए पोर्टुलका में कितने सुंदर से फूल आए हैं, देखिए कितने घास जमे हुए हैं, सब सफाई करना है। अब तबीयत ठीक हो जाए तो मैं सफाई करूं, अभी तो नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं ना, देखिए तितली रानी उड़ रही हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया है, नींबू में भी फूल आना शुरू हो गया है, फ्रूट्स भी आने शुरू हो गया है। ओए तितली इधर आ, तितली रानी इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, आजा आजा, रुक बैठ जा ना कहीं, भाग यहाँ से, नहीं बैठोगे तो। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया मेरे गुड़हल के प्लांट्स हो गए हैं, सब धूप में मुरझा के कैसे तो हो गए थे, लेकिन जब से मानसून आया है बढ़िया हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरे गार्डन का ओवरव्यू है, और देखिए इसमें भी कितना सुंदर सा फूल आ रहा है बोगनवेलिया में। तो मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।